हेलो, आज मैं तुम्हें इस यूट्यूब चैनल पे आज तुम्हें इंजेक्टर बदलना सिखाता हूँ, जो कि एक इंजन में इंजेक्टर जो कि स्टार्ट करने के काम में आता है। और इसमें आज हम जानेंगे कि इंजेक्टर को कैसे रिपेयर किया जाता है और कैसे उसे बताया जाता है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं कि इसमें एक मैकेनिक इंजेक्टर को कैसे अंदर डाल रहा है और कैसे नए पैकेज को खोलते हुए और ये नया पैकेज में से एक इंजेक्टर को, ये इंजेक्टर तब डाला जाता है तब जब इसमें कमी आ जाती है या फिर स्टार्ट नहीं होती कार, इस वजह से अभी नहीं इंजेक्टर इसलिए डाले। आप देख रहे हैं कि अब ये इंजेक्टर पर कुछ ग्रीस जैसा लगा रहे हैं और ये इसमें अंदर डालेंगे। इसके लिए इन्होंने चार इंजेक्टर लिए हैं जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस का है, तकरीबन 7,200 रुपये कुछ एक इंजेक्टर होता है। इसमें चार इंजेक्टर डालते हैं तो ये बड़ा थोड़ा महंगा होता है, जो कि एक हुंडई शोरूम कार से बिल्कुल होल क्लीन है, नहीं का नाम है, कचरा वचरा बिल्कुल नहीं। अब ये जो दूसरे वाले देख रहे हैं जो सीनियर हैं इनके, आप चाहते हैं कि इसमें ये डालेंगे इंजेक्टर को और ये चेकिंग करेंगे। वैसे भाई इनमें क्या कमी हो गई है, इसमें फ्यूल आता है नहीं आता है, तो इसको कारों को एकदम से अच्छी तरह से पैक कर देंगे, उसे कस देंगे। हम देख रहे हैं कि ये अब इसको इन्होंने सेट कर रहे हैं। पहले वाले इंजेक्टर से दूसरे वाले इंजेक्टर और तीसरे वाले चार इंजेक्टर होते हैं इसमें, जो कि एक फ्यूल का काम करता है और दूसरा भैया दो पाइप होते हैं इसमें, एक फ्यूल का काम करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा फ्यूल हो जाने पर दूसरी पाइप से निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं दूसरा कस रहे हैं अभी इंजेक्टर को। ये क्या है, कभी भी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है और किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी में, तो इंजन में देखते हैं कि ये फ्यूल का काम सही तरह कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि इसमें इंजेक्टर की कमी थी और ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। अगर इसको एक नए चार डालें डालें और सस्ता है वो इंजेक्टर। अब इंजेक्टर को इस वीडियो में थोड़ा लंबा होने गया है, लेकिन ये जानकारी मुझे बहुत ही उपयोगी है। ये अभी कुछ भी काम कर सकता है। आप चाहते हैं कि इस वीडियो पर आप कुछ सीखें और अब ये इनकी चार प्रकारें और इनमें से ये पाइप देंगे बताते हैं इसमें लगा के, क्योंकि एक फ्यूल का पाइप होता है। अच्छी तरह कसते हैं जैसे कि फ्यूल जब भी लग जाती थी कहीं से निकल ना सके।
कहाँ चल लगा होती थी। अभी पहले नट को कस रहे हैं, हम दूसरी तरफ से पाइप देंगे जो कि एक्स्ट्रा फ्यूल का होता है। कभी भी इसमें कभी फ्यूल ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे पाइप से एक्स्ट्रा होके बाहर निकल जाता है। अरे भैया गाड़ी बंद हो जाती है अगर रास्ते में तो क्या चेक करते हैं फिर बाद में? इनको थोड़ा ढीला करेंगे और भी हो सकता है गाड़ी चेक करने के बाद पता पड़ेगा क्या हो सकता है। गैस जो गैस हो जाती है जब फ्यूल छोड़ते हैं तो एकदम से डीजल सप्लाई बंद होगी, जब बंद होगी डीजल सप्लाई बंद हो गई करने में ऐसा डीजल ख़त्म होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे चार पाँच चालीस मिनट लगा दिए हैं जो कि एक्स्ट्रा अभी नीचे वाले पाइप को ये अच्छी तरह कस देंगे जिससे ही नीचे से लीकेज ना हो। आप देख रहे हैं ये दूसरे ड्राइवर करने के लिए बोलेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है या नहीं। बैटरी लेकर है, बैटरी भाई बैटरी धरी हम दिखाई अब ये बैटरी को लगाएंगे। ये बैटरी लगाई है इन्होंने, हम देखेंगे स्टार्ट करेंगे चेक करेंगे कौन ये मोटर होता है तो जो एयर फिल्टर होता है जिससे कि एयर में कुछ गंदगी आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा Thank you.